नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परफेक्ट मोबाइल सॉल्यूशन पर। दोस्तों मेरे पास ये जो हैंडसेट है इन्फिनिक्स ब्रांड का है, आप देख सकते हैं बैक साइड में नीचे की तरफ इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है और मॉडल नंबर आपको बता देता हूं, मॉडल नंबर है इन्फिनिक्स नोट 12। ध्यान से सुन लीजिए, मॉडल नंबर है इन्फिनिक्स नोट 12। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन्फिनिक्स नोट 12 का FRP बाईपास करने का तरीका, यानी कि डिवाइस का गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करने का सबसे इजी और बिल्कुल लेटेस्ट तरीका। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी इन्फिनिक्स नोट 12 है और आपकी डिवाइस FRP लॉक है यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है, तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने इन्फिनिक्स नोट 12 का FRP बाईपास कर पाएंगे, यानी कि डिवाइस का गूगल अकाउंट लॉक विदाउट PC विदाउट लैपटॉप बिल्कुल फ्री में घर बैठे बैठे रिमूव कर पाएंगे। ओके अब दोस्तों, आपकी डिवाइस FRP लॉक है ये कैसे कन्फर्म होगा, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आप ऊपर की तरफ कोने में ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा लॉकर शो कर रहा है। इस टाइप का लॉकर शो कर रहा है, इसका मतलब आपकी डिवाइस FRP लॉक है। अगर इस टाइप का लॉकर यहाँ पे शो नहीं करता तो आपकी डिवाइस FRP लॉक नहीं होती। लेकिन चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी तरह कन्फर्म कर देता हूँ कि मेरे पास ये जो डिवाइस है इन्फिनिक्स नोट 12 ये पूरी तरह से FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। ओके यहाँ से इस ऑप्शन को स्किप करेंगे। ओके और ये देखिए दोस्तों, यहाँ हम आ चुके हैं कनेक्ट टू वाईफाई वाले ऑप्शन पे। नीचे की तरफ देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है। तो यहाँ जल्दी से मैं अपने डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। डिवाइस हमारी कनेक्ट हो गई दोस्तों, ऊपर की तरफ आप वाईफाई का सिंबल देख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे से कर देते हैं नेक्स्ट। यहाँ ये बॉक्स है तो आपको सिंपल इस बॉक्स को चेक करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ओके और कुछ सेकंड वेट करिए दोस्तों, आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास ये जो डिवाइस है इन्फिनिक्स नोट 12 ये पूरी तरह से FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। यहाँ से आपको सिंपल कर देना है डोंट कॉपी। ओके और ये देखिए दोस्तों, फाइनली आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब आपकी डिवाइस FRP लॉक होती है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक होती है। डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए दोस्तों, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन वेरीफाई पिन, यानी कि आपको ये पिन वेरीफाई करना होगा। अगर आपको ये पिन पता है तो ये पिन सिंपल आप यहाँ पे एंटर करें, नीचे से नेक्स्ट कर दें। अगर आप सही पिन एंटर करेंगे तो डिवाइस आपकी बहुत आसानी से अनलॉक हो जाएगी। ओके लेकिन दोस्तों, ये पिन हमें नहीं पता है। एक चीज और ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे वेरीफाई पिन का ऑप्शन है तो यहाँ पे वेरीफाई पासवर्ड या वेरीफाई पैटर्न का भी ऑप्शन हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने डिवाइस में सिक्योरिटी के तौर पे क्या डाल रखा है। ओके चूंकि वेरीफाई पिन का ऑप्शन है और पिन हमें नहीं पता है, तो अब मैं सेकंड ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। सेकंड ऑप्शन पिन के जस्ट ऊपर की तरफ देखिए लिखा है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टीड, तो मैं सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब कुछ सेकंड वेट करिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे लिख के आएगा वेरीफाई योर अकाउंट, और ये देखिए वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन आ गया। तो अब फाइनली दोस्तों, यहाँ पे डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए आपको इस डिवाइस का गूगल अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। अगर आपको इस डिवाइस का गूगल अकाउंट पता है तो आप सिंपल ईमेल आर फोन में एंटर करें, नीचे से नेक्स्ट कर दें। अगर आप सही गूगल अकाउंट एंटर करेंगे तो डिवाइस आपकी बहुत आसानी से अनलॉक हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिवाइस का गूगल अकाउंट भी हमको नहीं पता है। तो फाइनली मेरे पास ये जो डिवाइस है इन्फिनिक्स नोट 12 ये पूरी तरह से FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो का कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करिए। आपको किसी लैपटॉप PC की जरूरत नहीं है, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में आप अपने इन्फिनिक्स नोट 12 का FRP बाईपास कर पाएंगे। ओके और अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है। अब दोस्तों आपके पास होना चाहिए एक सिम कार्ड, ठीक है, कोई भी सिम कार्ड हो, एयरटेल, BSNL, जियो, किसी भी कंपनी का, ठीक है। आपको करना क्या है, इस सिम कार्ड में सिम पिन लॉक आपको एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। अब सिम पिन लॉक कैसे एक्टिवेट करते हैं किसी भी सिम कार्ड में, अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करिए, मेरी इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको किसी भी सिम कार्ड में सिम पिन लॉक एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस सिम कार्ड को सिंपल इस डिवाइस में इंसर्ट करूंगा। याद रहे दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जो भी सिम कार्ड आप यूज करें उसमें सिम पिन लॉक एक्टिवेट कर लें, ठीक है। तो अब मैं करता क्या हूं, इस सिम कार्ड को यहां इंसर्ट करूंगा, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, जैसे ही इस सिम कार्ड को इंसर्ट करूंगा तो यहां पे देखिएगा एंटर सिम पिन का मैसेज आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जो सिम कार्ड यूज कर रहा हूं इसमें मैंने सिम पिन लॉक एक्टिवेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए सिम कार्ड को मैंने इंसर्ट किया।
और ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं एंटर सिम पिन का मैसेज आ गया। तो जो भी सिम कार्ड आप यूज करें उसमें सिम पिन लॉक एक्टिवेट कर लें, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, अब सिंपल आपको करना क्या है दोस्तों, सिम कार्ड को आपको इजेक्ट करना है, बाहर निकालना है, ठीक है, और तुरंत पावर बटन को प्रेस करना है। ध्यान रहे ये दोनों काम बिल्कुल एक वक्त पे होना चाहिए। सिम कार्ड को आप जैसे ही बाहर निकालेंगे तुरंत पावर बटन को प्रेस करेंगे। अगर ये प्रोसेस आप सही से करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा नॉट साइन इन करके, ठीक है। ध्यान से सुनिए, सिम कार्ड को बाहर निकालना है और उसी वक्त तुरंत आपको पावर बटन को प्रेस करना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये देखिए सिम कार्ड को मैं बाहर निकालूंगा और तुरंत मैं पावर बटन को प्रेस करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए सिम कार्ड को मैंने बाहर निकाला और पावर बटन को मैंने प्रेस किया, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए सिम कार्ड यहाँ पे बाहर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए अगर ये प्रोसेस मैंने सही से किया हुआ है तो जैसे ही मैं डिवाइस को ऑन करूंगा तो यहाँ पे नॉट साइन इन करके नोटिफिकेशन पैनल शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिवाइस को ऑन करता हूँ, ठीक है, और ये देखिए नॉट साइन इन करके ये नोटिफिकेशन पैनल शो कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या, ये जो नोटिफिकेशन पैनल है आपको इसे पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ स्लाइड करना है, ठीक है। स्लाइड करेंगे तो ऊपर की तरफ आपको सेटिंग दिखेगा, आपको सिंपल सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग के आइकन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन आपको नीचे की तरफ शो करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से आप नीचे आए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों प्ले स्टोर का, ठीक है। थोड़ा सा आप नीचे आए, ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए प्ले स्टोर का ऑप्शन मिला, ठीक है। आपको करना क्या, सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे और आए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अपडेट्स कंप्लीटेड का, ठीक है। ये रहा, आप सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ देखिए अलाउ नोटिफिकेशन ये ऑफ है, आपको इसे सिंपली यहाँ से ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा साउंड का, तो आपको सिंपल साउंड पे क्लिक करना है, ठीक है। साउंड पे क्लिक करने के बाद आप बिल्कुल नीचे आ जाएं, बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ऐड नोटिफिकेशंस का, तो आप ऐड नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। ऐड नोटिफिकेशंस पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको ये इंटरफेस शो करेगा। अब देखिए आगे आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ ध्यान देंगे दोस्तों तो आपको थ्री लाइंस मिलती हैं, आप सिंपल इस थ्री लाइंस पे क्लिक करें, ओके। उसके बाद नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है ड्राइव का, तो आपको करना क्या है, ड्राइव को टैप करके रखना है, ठीक है। यानी कि एक फिंगर ले जाएं और सिंपल आप ड्राइव पे कुछ देर तक ऐसे टैप करके रखें, ओके। ऐसा करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे ड्राइव का जो ऐप इन्फो है ये ओपन हो जाएगा और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ओके। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है परमिशंस का, तो आप सिंपल परमिशंस पे क्लिक करें। परमिशंस पे क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ देखिए सर्च बॉक्स है, तो आप सिंपल इस सर्च बॉक्स पे क्लिक कर दें, ओके। जैसे ही सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके डिवाइस का कीबोर्ड यहाँ ओपन हो जाएगा और ऊपर की तरफ एक सर्च बॉक्स आपको शो करेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, इस सर्च बॉक्स में सिंपल आपको टाइप करना है सेटिंग्स, आप डिस्प्ले देख सकते हैं तो बिल्कुल सेम टाइप करिएगा, तो यहाँ पे हम सिंपल टाइप कर देते हैं सेटिंग्स, ओके। जैसे ही सेटिंग्स टाइप करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, ओके। आपको करना क्या है, यहाँ से आप बिल्कुल नीचे आ जाएं, ठीक है, आपको बिल्कुल नीचे आना है। यहाँ पे रेड कलर का एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेटिंग्स ऐप इन्फो का, ये रहा, आप इस पर क्लिक करें, ओके। उसके बाद बिल्कुल नीचे की तरफ देखिए तो एक ऑप्शन आपको मिलता है ओपन का, तो आपको सिंपल ओपन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों आपके डिवाइस की मेन सेटिंग, ये देखिए आपके डिवाइस की मेन सेटिंग यहाँ पे ओपन हो गई, ठीक है। तो डिवाइस की मेन सेटिंग ओपन हो गई, अब देखिए आगे आपको करना क्या है, यहाँ से आप बिल्कुल नीचे आए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्पेशल फंक्शन का, आप सिंपल इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको क्लिक करना है एसेसबिलिटी पे, तो आप एसेसबिलिटी पे क्लिक करें, और उसके बाद आपको फाइनली क्लिक करना है एसेसबिलिटी मेन्यू पे, तो आप एसेसबिलिटी मेन्यू पे क्लिक करें, ओके। और यहाँ देखिए दोस्तों एसेसबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट ये ऑफ है, आपको इसे ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए आप इसे यहाँ से ऑन करें, ओके। नीचे से अलाउ डिनाय, तो आप सिंपल अलाउ पे क्लिक कर दें, और यहाँ लास्ट में गॉट इट का ऑप्शन मिलता है, आप सिंपल गॉट इट पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों एसेसबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट यहाँ से ऑन हो गया, ठीक है। अब देखिए एसेसबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट ऑन हुआ तो इसके कुछ फंक्शन होते हैं, वो आपको कैसे शो करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है दोस्तों, दो फिंगर की हेल्प से आप ऐसे नीचे से ऐसे अब ऊपर की तरफ ऐसे स्लाइड करें, ठीक है। तो ये देखिए एसेसबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट के जो भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस आपको शो करेंगे, ठीक है। यहाँ से दो फिंगर की हेल्प से आपको ऐसे ऊपर की तरफ स्लाइड करना है, ये देखिए सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, अब यहाँ से आपको बैक जाना है डिवाइस की मेन सेटिंग में, याद रहे आराम से बैक जाइएगा, आपको जाना है डिवाइस की मेन सेटिंग में। ये देखिए दोस्तों डिवाइस की मेन सेटिंग में हम बैक आ चुके हैं, ठीक है।
अब देखिए आगे आपको करना क्या है, यहाँ ऊपर आ जाए। ऊपर आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट का, आप सिंपल ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको क्लिक करना है ऐप लिस्ट पे, तो आप सिंपल ऐप लिस्ट पे क्लिक करें। जैसे ही ऐप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे दोस्तों आपके डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशंस के लिस्ट हैं, ये देखिए सारे एप्लीकेशन के लिस्ट आपको यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, बिल्कुल ऊपर आइए, बिल्कुल ऊपर आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर का एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा एंड्रॉयड ऑटो करके, ये रहा, आप सिंपल इस पर क्लिक करें। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली डिसेबल करना है और फोर्स स्टॉप करना है। कैसे करेंगे, ये रहा डिसेबल, आप सिंपल यहाँ डिसेबल पे क्लिक करें। ओके, उसके बाद नीचे से डिसेबल ऐप कर दें, उसके बाद आपको क्लिक करना है फोर्स स्टॉप पे, और उसके बाद फाइनली यहाँ ओके पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों एंड्रॉयड ऑटो, इसका वर्क पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद दोस्तों एंड्रॉयड ऑटो के जस्ट नीचे वाला एप्लीकेशन यानी कि एंड्रॉयड सेटअप, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और सेम काम करना है डिसेबल एंड फोर्स स्टॉप, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ये एप्लीकेशन पहले से डिसेबल है, ये रहा डिसेबल, ये देख सकते हैं ये वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि हाईलाइट नहीं है। ओके, तो आपको इसे सिर्फ फोर्स स्टॉप कर देना है, तो ये रहा फोर्स स्टॉप, आप सिंपल यहाँ फोर्स स्टॉप पे क्लिक करें। ओके, उसके बाद यहाँ से ओके कर दें, तो ये जो सेकेंड वाला एप्लीकेशन है इसका भी वर्क पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब हम बैक चलेंगे, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट एप्लीकेशन है दोस्तों गूगल प्ले सर्विसेज, ये रहा, आप सिंपल इस पर क्लिक करें। ओके, और यहाँ भी आपको बिल्कुल सेम करना है दोस्तों, डिसेबल एंड फोर्स स्टॉप, तो आप सिंपल यहाँ से डिसेबल करें, उसके बाद डिसेबल ऐप, उसके बाद फोर्स स्टॉप करें, और लास्ट में आप यहाँ से ओके कर दें। ओके, तो अब वो सारे एप्लीकेशन दोस्तों जिन्हें आपको डिसेबल करना था और फोर्स स्टॉप करना था, वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे डिसेबल और फोर्स स्टॉप हो चुके हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, अब यहाँ से बिल्कुल बैक चले आना आपको बिल्कुल होम स्क्रीन पे, तो आप यहाँ से बिल्कुल नॉन स्टॉप बिल्कुल बैक चले आएँ, आपको बिल्कुल बैक चले आना है बिल्कुल होम स्क्रीन पे। ओके, तो ये देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं बिल्कुल बैक बिल्कुल होम स्क्रीन पे। अब देखिए आपको करना क्या है, अब आपको एंड्रॉयड सेटअप करना है, तो चलिए सेटअप करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। ओके, वंस अगैन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इस ऑप्शन को स्किप करेंगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे, ये बॉक्स है तो आपको सिंपल इस बॉक्स को चेक करना है, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है। ओके, और कुछ सेकंड वेट करेंगे, कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करिएगा, जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करिए। ठीक है, कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इन्फिनिक्स नोट 12 का FRP बाईपास करने का तरीका, यहाँ से आपको सिंपल डोंट कॉपी करना है। ओके, और अब दोस्तों अब यहाँ पे आप कुछ सेकंड वेट करेंगे तो आप ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए, अगर ऊपर की तरफ ध्यान देंगे दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जस्ट अ सेकेंड चेकिंग फॉर अपडेट, ये देखिए ये कंटिन्यू रिपीट कर रहा है, आप ध्यान दीजिए जस्ट अ सेकेंड चेकिंग फॉर अपडेट, जस्ट अ सेकेंड चेकिंग फॉर अपडेट, और ये जो है दोस्तों ये देखिए कंटिन्यू राउंड कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों आपकी डिवाइस यहाँ पे बिल्कुल स्टक हो जाएगी, आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा, काफी टाइम आप वेट करेंगे तो आप देखेंगे जस्ट अ सेकेंड चेकिंग फॉर अपडेट और ये कंटिन्यू राउंड करेगा। ओके, तो अब देखिए आपको करना क्या है, आगे जो भी आपको करना है सबसे पहले उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लें, उसके बाद ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों अब एसेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट जिसे आपने ऑन किया था उसका वर्क शुरू होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों दो फिंगर की हेल्प से आप ऐसे ऊपर करेंगे तो एसेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट के सारे फंक्शन आपको यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल असिस्टेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ आपको ब्लू कलर की सेटिंग दिखेगी। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे ही सेटिंग दिखेगी आपको सेटिंग पे जल्दी क्लिक करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके डिवाइस में गूगल प्ले सर्विसेज का ऐप इन्फो ओपन हो जाएगा, और आपको याद होगा दोस्तों आपने गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल किया था ना, आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले सर्विसेज को इनेबल कर देना है। ओके, आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, अब चलिए ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया दो फिंगर की हेल्प से आप ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये एसेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट का सारा ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा, उसके बाद आपको क्लिक करना है असिस्टेंट पे, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की सेटिंग दिखेगी, नहीं दिखी फिर से ट्राई करते हैं, ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सेटिंग दिखा। ठीक है, जैसे ही सेटिंग देखेगा सेटिंग पे आपको कंटिन्यू क्लिक करते रहना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके डिवाइस में गूगल प्ले सर्विसेज का ऐप इन्फो ओपन होगा, आपने उसे डिसेबल किया था आपको उसे इनेबल करना। ठीक है, तो फिर से ट्राई करते हैं,
स्लाइड करेंगे असिस्टेंट सेटिंग नहीं दिखा, स्लाइड करेंगे असिस्टेंट सेटिंग नहीं दिखा, स्लाइड करेंगे असिस्टेंट सेटिंग नहीं दिखा, स्लाइड करेंगे असिस्टेंट सेटिंग। ये देखिए दोस्तों, आपने देखा गूगल प्ले सर्विसेज ओपन हुआ, लेकिन बहुत फास्ट ओपन हुआ और बहुत फास्ट बैक चला गया, ठीक है। तो आपको यही स्टेप्स तब तक ट्राई करना है कि जब तक आपके डिवाइस में गूगल प्ले सर्विसेज का ऐप इन्फो ओपन ना हो जाए, ओके। तो फिर से ट्राई करते हैं, यहाँ से हम स्लाइड करेंगे असिस्टेंट, स्लाइड करेंगे असिस्टेंट सेटिंग, 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 स्लाइड करेंगे असिस्टेंट सेटिंग। आपको ट्राई करते रहना दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं कितनी बार ट्राई कर रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल ट्राई करते रहना है। सेम स्टेप्स आप फॉलो करिए, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो फाइनली आपके डिवाइस में गूगल प्ले सर्विसेज का ऐप इन्फो ओपन हो जाएगा। आपने देखा ओपन हुआ लेकिन फिर से बैक चला गया, ठीक है। तो आप बिल्कुल ट्राई करते रहें दोस्तों, एक बार, दो बार, तीन बार, दस बार, बीस बार, यहाँ पे फाइनली आपके डिवाइस में गूगल प्ले सर्विसेज ओपन हो जाएगा। फिर से ट्राई करते हैं, तो स्लाइड करेंगे असिस्टेंट सेटिंग, स्लाइड करेंगे असिस्टेंट सेटिंग, ओके। और ये देखिए फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं गूगल प्ले सर्विसेज का ऐप इन्फो हमारे डिवाइस में ओपन हो गया। ऊपर की तरफ देखिए गूगल प्ले सर्विसेज, ओके। तो आपने देखा दोस्तों मैंने कितनी बार ट्राई किया, ठीक है। तो आपको सेम स्टेप्स फॉलो करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, दस बार, बीस बार, आप ट्राई करिए। यहाँ पे 100% आपके डिवाइस में गूगल प्ले सर्विसेज ओपन होगा। आपने देखा हमारे डिवाइस में गूगल प्ले सर्विसेज ओपन हो गया, ओके। और आपको याद होगा दोस्तों, आपने गूगल प्ले सर्विसेज डिसेबल किया था, ना, मैंने आपको बताया कि आपको इसे इनेबल करना है। यहाँ नीचे की तरफ देखिए इनेबल का ऑप्शन है, ओके। तो आप सिंपल इनेबल पे क्लिक करें, ओके। और अब दोस्तों आपके डिवाइस में गूगल प्ले सर्विसेज पूरी तरह से इनेबल हो गया, ओके। अब देखिए आपको करना क्या है। अब यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है, आप अच्छे से समझ लें। आपको यहाँ से एक एक पॉइंट बैक जाना है, ठीक है। पहले आप एक पॉइंट बैक जाएंगे और वेट करेंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको शो करेगा गूगल सर्विसेज। अगर सपोज करिए कि एक पॉइंट बैक जाने के बाद गूगल सर्विसेज यहाँ पे शो नहीं करता है, तो उसके बाद एक पॉइंट और बैक जाएंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ शो करेगा गूगल सर्विसेज, ठीक है। तो पहले मैं करता क्या हूँ, पहले मैं एक पॉइंट बैक जाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं एक पॉइंट बैक जाता हूँ और वेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ एक पॉइंट बैक आया और फाइनली यहाँ पे गूगल सर्विसेज शो कर दिया, ठीक है। अगर गूगल सर्विसेज एक पॉइंट बैक आने के बाद नहीं शो करता है, तो आपको एक पॉइंट और बैक जाना होगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैं सिर्फ एक पॉइंट बैक आया और फाइनली यहाँ पे गूगल सर्विसेज शो कर दिया। तो अब मैं बता दूं दोस्तों, जब यहाँ पे गूगल सर्विसेज शो कर दिया, इसका मतलब आपके डिवाइस का FRP बाईपास हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको कंप्लीट सेटअप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एंड्रॉयड सेटअप करते हैं, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे मोर पे, उसके बाद मोर पे वंस अगेन यहाँ से हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, ओके। कुछ सेकेंड यहाँ वेट करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ आपको एंड्रॉयड सेटअप करना है, आपके डिवाइस का FRP बाईपास हो चुका है, ठीक है। यहाँ से इस ऑप्शन को हम स्किप करते हैं, यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को भी हम स्किप करेंगे, वंस अगेन स्किप पे क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ से सिंपल नेक्स्ट करते हैं और ये देखिए XOS का ऑप्शन आ गया, ये ग्रीन कलर का एरो मिलता है, सिंपल इस एरो पे आप क्लिक कर दें, ओके। और कुछ 8 से 10 सेकंड वेट करें, आप देखेंगे दोस्तों आपकी डिवाइस इंफिनिक्स नोट 12 इसका FRP यानी कि गूगल अकाउंट पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाएगा और डिवाइस आपकी अनलॉक हो जाएगी। ये ऑप्शन आ गया, तो इस ऑप्शन को सिंपल आप यहाँ ऊपर से स्किप कर दें। और ये देखिए दोस्तों, कंप्लीट एंड्रॉयड सेटअप करके मैंने आपको दिखा दिया, फाइनली हमारे डिवाइस इंफिनिक्स नोट 12 इसका FRP लॉक यानी कि गूगल अकाउंट लॉक पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो गया और फाइनली हमारी डिवाइस पूरी तरह से अनलॉक हो गई। और दोस्तों आप देख सकते हैं अब डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा, ओके। तो दोस्तों ये पूरा फुल प्रोसेस था इन्फिनिक्स नोट 12 का FRP बाईपास करने का, यानी कि डिवाइस का गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करने का। ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज दोस्तों कमेंट करके इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय मुझसे जरूर शेयर करिएगा। वीडियो के लास्ट में दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलती रहे, तो इसके लिए जल्दी से आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।